मीन टाइम अगर मैं जो सेकंड पैसेज है बुक का, मैं उसको मैं डिस्कस करना चाहूँ, पेज 65, इस हिस्से में आपने साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा जबरदस्त कन्वर्जेंस आपने एक प्रोड्यूस किया है, जिसमें आप कहते हैं कि स्ट्रेस इज डिफरेंस बिटवीन योर डिजायर एंड गॉड्स डिजायर. सो मेक योर डिजायर वट इज डिजायर ऑफ गॉड एंड स्ट्रेस वुड सीज टू एग्जिस्ट. के जो स्ट्रेस है बुनियादी तौर पर वो उस फर्क को कहते हैं जो आपकी ख्वाहिशात और आपके रब की ख्वाहिशात के दरमियान जो उसका तकाजा है. ये एक हदीस कुदसी, अगरचे इसकी सेहत पर कुछ कहीं कुछ शकूक पाए जाते हैं, लेकिन जो जनरल कंसेंसस है वो यही है कि हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी ख्वाहिश है और एक मेरी ख्वाहिश है, अगर तू वो कर दे जो मेरी ख्वाहिश है तो मैं तुझे वो दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है, लेकिन अगर तू बुज़िद हो जाए उस पे जो तेरी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें थका दूंगा उसमें जो तेरी ख्वाहिश है, लेकिन होगा फिर भी वही जो मेरी ख्वाहिश है. इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हदीस कुदसी है. इस पे मैं चाहूंगा, बिकॉज दिस आपकी बुक में से, आपकी सारी बुक ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बट दिस इज वन पैसेज विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. What do you have to say on this, sir? Stress उस जगह पे रहता है, उस फर्क में रहता है जो आपकी ख्वाहिशात और आपके रब के तकाजे के दरमियान है. एक बुजुर्ग हैं वासफ अली वासफ साहब, उनका बड़ा अच्छा कॉल मैं अक्सर कोट करता हूँ, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है. अच्छा, मैं कल ही किसी से खोजने कर रहा था तो शेयर हो रही थी बात कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव व्हीकल, आई हैव हाउस, आई हैव फूड फॉर टू टाइम्स, आई हैव गुड प्लेस इन सोसाइटी, और मैं परेशान हो जाऊं कि मेरे पास हेलीकॉप्टर कब आए. तो वो जो ग्रेटफुलनेस है ना, शुक्रगुजारी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूं, शुक्रगुजारी नेमतों को बढ़ाती है. ना शुक्री, शिकवा करना, अपने प्रेजेंट से ना खुश रहना, ये नेमतों को कम करती है. सो आई फाइंड अपॉर्चुनिटी टू शेयर के अगर हम चाहते हैं कि हमारी रूह हो दिले जाना और हमारी फैमिली में खुशी रहे, लर्न टू बी खुशगवार इन लाइफ, खुशगवार इन लाइफ, ग्रेटफुलनेस, जितना शुक्र अदा करेंगे उतनी नियमतों में इजाफा होगा. अच्छा, हम लोग जब मैं एक और बात करता हूँ, दी वैल्यू ऑफ दी नेमत ब्लेसिंग इज जीरो वंस यू गेट इट. फॉर एग्जांपल, एक बंदा जब मोटरसाइकिल पे होता है, जब वो कार ले लेता है मेहरान, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे कार मिल जाए मेहरान. जब मेहरान मिल जाती है तो वो कहता है मेरे पास GLI क्यों. तो आप अपने टारगेट्स गोल पोस्ट बहुत आगे आगे प्लेस करते जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज के खराब उसके खिलाफ होता है, एंड यू स्ट्रेच आउट योरसेल्फ. मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि वो जो एक वाकया 99 क्लब के मुतालिक है, कि वो एक एक जगह एक मोची काम अपना कर रहा था, पुराने दौर की बात है, और साथ वो गाने गा रहा था, इंजॉय कर रहा था. तो बादशाह वक्त का उधर से गुजर हुआ, तो बादशाह ने उसको कहा कि तुम इतना खुश क्यों हो. उसने कहा सर अपने काम से खुश हूँ, एक दो रियाल कमाऊंगा, घर जाके बच्चों के साथ रोटी पानी खाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह आके यही मजदूरी करके चला जाऊंगा. बादशाह गार्ड टेंस होते हैं, यानी बादशाह ने उस मोची को जेन पे सवार कर लिया और अपने वजीर को कहा, मैं समरी बयान करता हूँ, कि यार ये बहुत खुश है, मैं बादशाह होके भी परेशान रहता हूँ. तो वजीर साहब ने कहा कि यूँ करते हैं सर के उसको ना थोड़े दिनों में आपको यही चीज का मैं प्रैक्टिकली बता दूँ. वजीर साहब ने उसके घर के करीब 99 अशरफियां रख दी, एक अशरफी काम दरवाजे पे और आ गया और बादशाह को कहा यू विल सून फाइंड हिम इन स्ट्रेस. अच्छा, वो उनको वर्कर को जब वो अशरफियों की थैली मिली तो 99 थी. पहले तो सारी रात पूरे घर में और घर वालों से लड़ता रहा कि सौवीं अशरफी कहाँ गई. अच्छा, उसके बाद उसने दिन रात काम शुरू कर दिया कि मैं एक और अशरफी पूरी करूँ और 100 अशरफी मेरे पास पूरी, और जो प्रेजेंट है उसे वो भूल गया. चार दिन बाद बादशाह आया तो ही वाज इन वर्स कंडीशन. जो इसकी लर्निंग है, जो इसका कंक्लूजन है, वो ये है कि हम लोग प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय नहीं करते. मोहब्बतों के सफर में कितनी प्लेयर देते हैं आपको मासूम बच्चे. हम ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चा जब दुनिया में आ गया तो इसने मुझे एज ए फादर बहुत प्लेयर दी है. हम उसको ये कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है. दिन रात हम उसको सवार कर ले. अच्छा, बेगम साहब को यहाँ सुबह कपड़े मिलते हैं, अच्छा घर मिलता है, कहती है बंद कर. तो जब अपने नसीब से खुश नहीं है और शुक्र गुजार नहीं है तो सुकून की नेमत आपसे उठा ली जाती है. तो प्राची
बेशक एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दिस. मैं इसमें अगर अपना एक थोड़ा सा मैं आपकी बात में ऐड कर सकूं, मेरा अपना एक कोटेशन है, मैं शेयर करता रहता हूं अपने कोटेशन सोशल मीडिया पे. रिसेंटली मैंने लिखा था कि खूब से खूब तर की जस्तजू करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी तलब में उससे उसको भी इंजॉय करने से महरूम हो जाना जो अपने पास है, ये तो खुद पे एक नाजल मुसल्लत करदा एक बदकिस्मती है जो खुदा ने दिया है, भाई उसे तो इंजॉय करो. हम वो पंजाबी में एक चीज होती है कि रब देंदिया नू देंदा है. देंदिया नू देंदा का क्या मतलब है कि जो इंसान शुक्र वापस करता है, जो इंसान उसको आगे फैलाता है, तो वो आगे उसी को फैलाता है जिसके साथ वो इंगेज करता है, जिसको वो अप्रीशिएट करता है. अगर वो उसको इग्नोर करके किसी और चीज में की तरफ चला जाए तो बड़ी जाहिर सी फिर साफ सी बात है कि फिर अल्लाह की तरफ से भी नेमतें नहीं आएंगी. जो बात आप कह रहे थे कि रब की तरफ से फिर नेमतें जो है वो रुक जाती हैं. अच्छा एक बात शेयर करूंगा, हाँ मेरे ऑडियंस की इस तरफ ना आ जाए कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए एंड वी शुड बी स्टैटिक. जो आपने प्यारी बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत करें. इकबाल ने क्या खूब कहा है, तवक्कुल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर. तो मैं इस शेयर की प्रॉपर इसको गाइडलाइन के तौर पे लेता हूँ कि मेरा काम है कि मैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मेहनत करूँ, हार्डवर्क करूँ विद ही पॉजिटिव अप्रोच, गुडनेस अप्रोच, और जो अल्लाह दे उसका शुक्रगुजार हो, शुक्रगुजार हो कि स्टेप बाय स्टेप, ना कि मैं वो गोल पोस्ट रख लूँ जो मुझसे आई 100 किलोमीटर दूर और कैपेसिटी मेरी गाड़ी में फ्यूल जो है 20 किलोमीटर का है, तो आई विल बी इन स्ट्रेस. तो हमने जब मैचिंग गोल पोस्ट रखनी है ना, फैमिली के लिए मैंने कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, लिविंग कैसा, तो माइंड यू आप एग्री करेंगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कि हमें विद इन रिसोर्सेज और विद इन ओन चादर ऑपरेट करना चाहिए, अवेलेबल रिसोर्स. तो ये चीजें सारी आप, इट्स रियली पेनफुल फॉर मी कि मेरे प्यारे देश पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज्यादा सेपरेशन इस बात पर हो रही है कि मिसमैच है लड़की और लड़के में, थिंकिंग मिसमैच, थिंकिंग अलाइनमेंट नहीं, ख्वाबों की दुनिया और ख्वाबों की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत दूर है. सही बात. और जो हकीकत की दुनिया में रहेगा, रियलिटी में रहेगा, वो खुश रहेगा और सुकून में रहेगा. सो टू ब्रीफ माय कमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, देयर आर 4 टिप्स टू बी हैप्पी इन लाइफ. नंबर 1 जज्बाए खुशगुवारी, शुक्रगुजारी. नंबर 2 मुस्बत सोच. नंबर 3 हर वक्त मालिक से शिकवे की बजाय जो अवेलेबल चीजें हैं उनकी इस्तकबार करते रहना. और नंबर 5 वही जो तवक्कुल वाली बात है, मेहनत के साथ तवक्कुल कर. दिस वाज़ इट. बिल्कुल सही बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.